सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट जिसके लागू होते ही पूरे देश भर में प्रोटेस्ट छिड़ गए। The All Assam Students Union came out on the street in different parts of the state to protest against the implementation of the act. SDPI, the political outfit, has launched protests in Chennai and Tamil Nadu. Protesting against a law that they say excludes them based solely on religion. दिल्ली में इस कानून का विरोध शुरू हो गया। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने सीए का विरोध किया। एक तरफ है मोदी सरकार जिनका कहना है इस एक्ट के थ्रू हम पूरे हिंदुस्तान में क्रांति ले आएंगे। हमने 2019 के चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में घोषित कर दी थी और मैंने कभी नहीं कहा कि इस मामले पर हम पीछे हटेंगे। मैंने हर बार कहा ये पत्थर पर लकीर है और ये होकर रहे। उनके एलिगेशन से कि कांग्रेस सरकार ने ही सबसे पहले अपनी जनता से वादा किया था कि वो बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पीड़ित हमारी माएं और बहनों को हिंदुस्तान में शरण देंगे, सीएए पास करेंगे, लेकिन सत्ता के लालच में उन्होंने ये वादा पूरा ही नहीं किया। ये भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे देश में अल्पसंख्यक जो थे हिंदू बौद्ध जैन क्रिश्चियन थे उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहाँ भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी, फिर मुकर गए। दूसरी तरफ है ऑपोजिशन पार्टीज जिनका कहना है कि मोदी सरकार का सीएए कानून बिल्कुल ही गैर कानूनी है और ये बीजेपी की साजिश है हिंदुस्तान में मुसलमानों की नागरिकता छीन लेने की, मुसलमानों को एक सेकेंड क्लास सिटीजन बनाने की और अंत में हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि मुसलमान समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं। और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। सीएए में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। सो आखिर सच्चाई क्या है, सीएए एग्जैक्टली कहता क्या है, क्या वाकई में इससे हमारे देश के माइनॉरिटीज को स्पेशली मुसलमानों को डरने की जरूरत है क्योंकि अचानक से अब उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, क्या ये वाकई में मोदी सरकार की एक साजिश है सेक्युलर इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने की, और फाइनली क्या ये बीजेपी का एक मास्टर ब्लो है 2024 के इलेक्शंस को जीतने का। वेल फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप कोई भी ओपिनियन बना लो आपको दोनों साइड के पर्सपेक्टिव्स को समझना होगा। आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को प्रूफ या डिसप्रूफ कर ही नहीं सकते जब तक आप समझते ही नहीं हो कि वो आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में आ कहां से रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स नैरेटिव से चलता है और ये नैरेटिव्स दोनों साइड से चलाए जाते हैं, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी दोनों साइड से, और ये नैरेटिव्स कई बार फैक्ट्स पर तो बेस्ड ही नहीं होते या फिर इन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है आम जनता को मैनिपुलेट करने के लिए। अब क्लासिक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, स्वरा भास्कर सीए को काफी एग्रेसिवली बैश कर रही थी पर जब उससे सीए के डिटेल्स के बारे में पूछा गया कि एग्जैक्टली आपको किन क्लॉजेस से प्रॉब्लम है, आपने सीए पढ़ा भी है कि अच्छे से, तो जरा उनका जवाब देख लो। आपने एक्ट पढ़ा है और मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई, मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं, मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। और ऐसी ही कुछ कहानी है बॉलीवुड के कुछ सो कॉल्ड एक्टर्स की भी, इसके बारे में अभी शायद मैं बोलने लायक नहीं हूँ, ना मैंने बिल्कुल पढ़ा है ना समझा है। बदकिस्मती ये है कि इन्फॉर्मेशन पूरा पूरा हमारे पास है तो इसीलिए उस पर टिप्पणी देना हमको लगता नहीं हमारी जगह है। मतलब लॉ के बारे में एक्चुअल में जीरो नॉलेज है लेकिन फिर भी कंपल्सिवली धारणा करना है, इसके खिलाफ विद्रोह करना है और दूसरों को भी गुमराह करना है, और हमें एग्जैक्टली इन्हीं की तरह नहीं बनना है। बिना दोनों पार्टीज के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को समझे फेवरेटिज्म की गिरफ्त में आकर एक ही पार्टी के नैरेटिव में अगर हम आंखें बंद करके बिलीव कर लेंगे तो ये अंधभक्ति ही हुई ना। अब एकदम ब्लंट बात अगर बोलूं तो मोस्ट ऑफ द मीडिया चैनल्स इवन मेजॉरिटी ऑफ यूट्यूबर्स आपको सिर्फ वन साइडेड पर्सपेक्टिव ही देते, लेकिन 7 सालों तक इंडिया का द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट साइंस चैनल चलाने के बाद हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम हर एक मुद्दे के एकदम जड़ तक जा पाते हैं और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को ही यूज करके सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के बेसिस पर ही रैशनल कंक्लूजन्स पर आते हैं, ना कि नैरेटिव्स और इमोशंस के बहकावे में आकर। और इसीलिए आई वुड हाईली रिकमेंड आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देखें ताकि सीए को लेकर आपका पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। हम इस एक्ट के प्रो और एंटी दोनों साइड्स के सारे पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। इनफैक्ट हमने अपने खुद के रिसर्च से ऐसे भी कुछ सवाल खड़े किए हैं जो ऑपोजिशन भी नहीं खड़े कर रहा।
सिर्फ इसीलिए ताकि आपको मेरी बात नहीं सुनना पड़े, आप खुद से ये डिसाइड कर सको कि ये लॉ हमारे देश के लिए सही है या फिर गलत। तो देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत 31 दिसंबर 2024 के दिन तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जितने भी रेफ्यूजीज इंडिया में इलीगली आए हैं, ये एक्ट उन सबको लीगली इंडिया का सिटीजनशिप दे देगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू, सिख, जैन्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस या पारसीज, मतलब वो यहां पर सेटल हो सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन इसके सेक्शन 2 के हिसाब से अगर कोई मुस्लिम यहां पर आता है तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। और एग्जैक्टली यही ऑपोजिशन का सबसे बड़ा मुद्दा है कि सिर्फ मुस्लिम्स के साथ ये भेदभाव क्यों। अब इनका दूसरा काउंटर पॉइंट या ब्लेम ये है कि सीएए बीजेपी की 2024 इलेक्शंस के लिए एक फाइनल मास्टर ब्लो होगा, एक फाइनल नेल इन द कॉफिन जो 2024 इलेक्शंस को 100% जिता ही देगा। तो देखो, एज वी ऑल नो, इलेक्शन डेट्स तो अभी अनाउंस हो ही चुके हैं, तो अगर बीजेपी ने इससे पहले नॉन मुस्लिम्स को सिटीजन बना लिया तो बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगा लेगी। मतलब इमेजिन करो, आप करीबन 70 ईयर्स से कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट की तरह रह रहे हो और अचानक से फिर एक दिन आपको उस देश की नागरिकता मिल जाती है, आप तो किसी भी हालत में बीजेपी को वोट दोगे ही दोगे, राइट? और शायद इसीलिए मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट थे कि इस बार तो बीजेपी आराम से 400 सीट ले आएगी। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। अब इनका तीसरा ब्लेम ये है कि सीएए तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। ऑपोजिशन स्पेशली कांग्रेस पार्टी का ये आर्ग्यूमेंट है कि ये एक्ट लीगली नहीं है, इलीगल है, क्योंकि आर्टिकल 15 को क्लियरली वायोलेट कर रहा है, जो क्लियरली कहता है कि सरकार किसी भी आधार पर सिटीजन्स के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। पर सीए एक्ट में तो आपने क्लियरली देखा सरकार रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। और इसी में ही ऑपोजिशन का यह भी आर्ग्यूमेंट है कि ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 10 किसी भी लीगल इमिग्रेंट को देश में सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, और इसीलिए उनके हिसाब से सीए तो क्लियरली इलीगल है भाई। अब इनका चौथा मुख्य एलिगेशन यह है कि इस एक्ट से इंडिया एक क्राइम हब बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने सीएए को इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा बता दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए इंडिया के दरवाजे अब खुल जाएंगे, तो इससे हमारे देश में चोरी, डकैती और रेप्स जैसे क्राइम्स एकदम से बढ़ जाएंगे, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहाँ पे, सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा, चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून, बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, 1.5 करोड़ लोगों को लाके। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए, तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे, ये देश के लिए बेहद खतरनाक है। अब ये आर्ग्यूमेंट भी काफी जेन्युइन लगता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो देश में जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वो कोई ना कोई इलीगल काम जरूर करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। अब मैसूर में भी पिछले ही साल की न्यूज है, कई बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े गए थे। अब आमतौर पर होता ही है कि क्योंकि इन इमिग्रेंट्स के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते, तो ये इंडिया में कोई जॉब या लीगली कोई बिजनेस वगैरह भी नहीं कर पाते, और इसीलिए ये काफी बार इलीगल कामों में भी लग जाते हैं, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बांग्लादेश में तो कैटल स्मगलिंग का एक पूरा नेक्सस भी है जो हाल ही में ही बस्ट हुआ। ऑल्सो फेक प्रोडक्ट्स बेचना, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो इंडिया में काफी कॉमन हो गया है। इनफैक्ट ऐसा ही एक काफी बड़ा स्कैम तो मेरे खुद के साथ भी हो गया था। रुको, पूरी स्टोरी बताता हूं। So, कुछ महीने पहले कर्नाटका की हक्की पिक्की समुदाय से सियोन जी और उनकी सिस्टर राधा जी मेरे से मिलने आई थी। ये कम्युनिटी एक्चुअली पहले जंगलों में शिकार किया करती थी, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने की वजह से गवर्नमेंट ने उनके शिकार पर बैन लगा दिया, जिसके बाद उन्हें अपने गांव के रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके व्यवसाय शुरू करना पड़ा। उस गांव के जंगलों में रेयर जड़ी बूटियां पाई जाती थी और इन्हीं जड़ी बूटियों से ये घर में मसाले और हर्बल ऑयल बनाकर बेचना शुरू कर दिए। अब इस सब में इनका आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल काफी पॉपुलर हुआ, क्योंकि इससे लोगों के बालों का ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा था। ग्रेइंग, डैंड्रफ, ये सारे प्रॉब्लम्स आज बहुत कॉमन हो रहे हैं, पर इस तेल में मौजूद जंगलों की नेचुरल जड़ी बूटियों की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे थे। मोदी जी ने खुद इस कम्युनिटी की काफी तारीफ भी की। आज मुझे कर्नाटका के अपने हक्की पिक्की समुदाय के भाई बहनों से मिलने का अवसर मिला। लेकिन क्योंकि ये बेचारे सिर्फ घरों में जाकर या कोई एग्जीबिशन में ही जाकर अपना तेल बेचा करते थे, तो कुछ स्कैमर्स ने इनके वीडियोस चुराकर उस पर अपना नकली तेल एकदम सस्ते में बेचना शुरू कर दिया।
इससे एक मेहनती कम्युनिटी का काफी बड़ा नुकसान हो रहा था, बट इट डजंट स्टॉप ओवर देयर। कुछ ही दिनों पहले इसी हक्की पिक्की समुदाय से सेयोन जी भी मेरे से मिलने आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि उनके तेल के साथ भी यही स्कैम हो रहा है। सो मार्केट में हक्की पिक्की कम्युनिटी के साथ इस ऑयल को लेकर काफी स्कैम्स हो रहे हैं, तो कैसे पहचाने कि एक फेक प्रोडक्ट क्या है और एक रियल प्रोडक्ट क्या है? तो सर, मैसूर में हक्की पिक्की कम्युनिटी के अलावा इस प्रोडक्ट को कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करता है। प्रोडक्ट आपको वंस ऑर्डर प्लेस करने के बाद एड्रेस डिटेल वेरीफाई कीजिए ताकि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिला है या नहीं आपको पता चले। अब ये सुनकर मैंने अपने साइंस चैनल पर अवेयरनेस फैलाने के लिए एक वीडियो भी बनाया, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब स्कैमर्स ने उस वीडियो को भी चुरा कर उसमें बिना परमिशन के मेरा फेस यूज कर सिर्फ उनके ओरिजिनल आदिवासी नीलांबरी हेयर ऑयल के जगह पर अपना तेल का फोटो चिपका कर नकली तेल ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कोई भी एड मेरे चैनल्स के अलावा किसी दूसरे चैनल या प्लेटफॉर्म पर दिखता है, स्पेशली फेसबुक पर, तो ये फेक एड्स है। इन्हें पेड चलाकर वायरल किया जा रहा है ताकि स्कैमर्स अपना नकली माल बेचे ट्रस्ट के साथ। अब इससे ओरिजिनल माल बनाने वाली आदिवासी कम्युनिटी का कितना नुकसान हो रहा है आप समझ सकते हो। अब ऐसी हालत को देखकर उसी आदिवासी कम्युनिटी के कई सारे फैमिलीज कॉस्ट कटिंग करके कमर्शियल तेल बनाने लग गए, लेकिन उनमें से कुछ 10 से 12 ही ऐसे परिवार हैं जो आज भी इस तेल को कमर्शियली नहीं बल्कि घर में ही काफी ट्रेडिशनली बना रहे, और जिस वजह से उनके ही तेल के रिजल्ट्स बेस्ट है। यहाँ पर सियोन जी और उनकी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो अब भी ओरिजिनल और हाई क्वालिटी तेल बना रही है। इनके 3 महीने के ऑयल के कोर्स का चार्ज है 1500 रुपीज, और इसके अलावा अगर कोई ये तेल सस्ते में बेच रहा है तो दैट मे बी अ फेक प्रोडक्ट। सो अगर आप रियल तेल खरीदना चाहते हो तो कोई भी ई कॉम साइट से पहले मत खरीदो। दूसरा, सेलर को वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर वीडियो कॉल भी कर सकते हो जो स्कैमर्स नहीं अलाउ करते। नंबर्स है +918072977032 और 8867505587। और तीसरा, अगर ये प्रोडक्ट आपके लिए वर्क नहीं किया तो आप इसे एक रिटर्न एड्रेस में रिटर्न भी कर सकते हो जो स्कैमर्स नहीं अलाउ करते। सो होपफुली आप अभी रियल और फेक हेयर ऑयल में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। So, अब बढ़ते हैं ऑपोजिशन के 5वें और आखिरी मेजर एलिगेशन की ओर, जिसके बाद हम बीजेपी के साइड ऑफ द स्टोरी को भी कवर करेंगे। So, 5वां एलिगेशन ये है कि बीजेपी सीए के थ्रू भारत को एक धर्मशाला बना देगी। So, अब तक इंडिया ने ग्लोबल लेवल पर हमेशा से एक ही स्टैंस रखा है कि इंडिया कोई धर्मशाला नहीं बनेगा, और इसी वजह से ही इंडिया 1951 के यूएन चार्टर फॉर रेफ्यूजीज का सिग्नेटरी भी नहीं है, जो ये कहता है कि आपको रेफ्यूजीज को अपने देश में शरण देना पड़ेगा। एंड इंडिया के इस मूव का रीजन भी काफी सिंपल और वैलिड था। आप हमारे आसपास किसी भी देश की हालत देख लो, सारे देश काफी अनस्टेबल है, और इंडिया भी तो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर हम हमारे नेबरिंग कंट्री से रेफ्यूजीज को यहां पर आने देते हैं तो करोड़ों लोग एक साथ से इंडिया में आ जाएंगे जिनके लिए हमारे पास यहां पर रिसोर्सेज नहीं है। तो अब सवाल यहां पर यह आता है कि आज सरकार सीएए के थ्रू इंडिया को एक धर्मशाला क्यों बना रही है। अब फ्रेंड्स, ऑपोजिशन पार्टीज के साइड का पर्सपेक्टिव तो आप जान ही गए हो, बट मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि अपना ओपिनियन बनाने से पहले हमें दोनों साइड के पर्सपेक्टिव्स को जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये तो हमने देखा सिक्के का सिर्फ एक साइड, तो अब जानते हैं सिक्के के दूसरे साइड, मतलब जो इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं उनका क्या कहना है। तो उसके लिए ना हम CAA लॉ को ही एक बार अच्छे से वंस एंड फॉर ऑल समझ लेते हैं। 11 दिसंबर 2019 को द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ, बट एक्चुअली अगर देखें तो ये लॉ कोई नया लॉ नहीं है, ये 1955 के एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट में एक छोटा सा चेंज है, एक अपडेशन है। सो 2019 के पहले, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 लागू था, तो तब इंडिया में नागरिकता पाने के लिए सिर्फ यही 5 तरीके थे जो अभी भी आफ्टर दिस न्यू अमेंडमेंट एप्लीकेबल रहेंगे। बट अब 2019 में CAA पास होने से 2 चेंजेस हुए हैं। पहला, टाइम का, मतलब लीगली सिटीजनशिप पाने के लिए जो एटलीस्ट 11 साल का टाइम पीरियड लगता था वो अब घटकर 5 साल का कर दिया जाएगा। दूसरा मॉडिफिकेशन है इलीगल माइग्रेंट्स का। इससे पहले हमारे नेबरिंग कंट्रीज से आए कोई भी धर्म के इलीगल इमिग्रेंट्स सिटीजनशिप अप्लाई ही नहीं कर सकते थे, पर अब इस अमेंडमेंट के बाद 31 दिसंबर 2024 तक आए इलीगल इमिग्रेंट्स भी अगर 5 सालों से ज्यादा इंडिया में रह रहे हैं तो वो लीगली इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, पारसी या क्रिश्चियन, बट अगर वो मुस्लिम है तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब नेचुरली सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी मन में आएगा वो ये है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ही ऐसा क्यों किया गया।
क्या इंडिया मुस्लिम्स को पनाह नहीं देना चाहता? तो इस चीज को एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। तो देखो, आजादी से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बंटवारे के बाद इन देशों ने खुद को ओपनली इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया, यानी कि इस्लाम को ही अपना स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। अब इससे हुआ ये कि वहां के नॉन मुस्लिम्स के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही नहीं बचे। उनकी हालत वहां पर चढ़ते दशकों के साथ बद से बदतर होने लगी। आज पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल सिर्फ 1% ही हिंदू पॉपुलेशन है, जो कि आजादी के वक्त 24% थी। कैन यू इमेजिन दैट, 24% से डायरेक्टली 1%, यानी कि देश का पूरा एक क्वार्टर पॉपुलेशन एकदम से मिट गया। रीजन, पर्सिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज। वहां आए दिन ऐसे केसेस आते हैं जहां पर नॉन मुस्लिम लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ गैंग रेप किया जाता है, उनका फोर्स्ड कन्वर्जन किया जाता है, और सबसे अनफॉर्चुनेट बात, ये सब कुछ आम बात है, लेकिन पाकिस्तानी पुलिस ऐसे केसेस को रजिस्टर करने से तक मना कर देती है। पाकिस्तान के लॉ में तक ये लिखा गया है कि वहां का प्रेसिडेंट, हायर अथॉरिटीज, इवन जूनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मुस्लिम्स ही होने चाहिए, और इसी वजह से आज वहां के सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज हिंदू नहीं है। वहां पर कई हिंदूज को तो वोट देने तक का भी अधिकार नहीं होता। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे हिंदूज और क्रिश्चियंस को ये तक कहा गया कि अगर उन्हें राशन चाहिए तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, और यही सेम हाल आज बांग्लादेश में भी है। इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटली इस्लामिक रिलीजन को लेकर बायस्ड है, जिससे नॉन मुस्लिम्स को वहां पर कोई राइट्स नहीं मिलते, और वहां पर भी हिंदू पॉपुलेशन आज 30% से घटकर सिर्फ 7% हो चुकी है। इनफैक्ट इसी विषय पर एक किताब भी लिखी गई जो ये कहती है, अगर इस डिस्क्रिमिनेशन को जल्द ही रोका ना जाए तो आने वाले 30 सालों में बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। और यही है बीजेपी के साइड ऑफ द स्टोरी से उनका सबसे बड़ा काउंटर पॉइंट। उनका कहना है कि CAA हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया, और इसीलिए नेचुरली ये लॉ नॉन पर्सिक्यूटेड मेजॉरिटी को बेनिफिट नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ये माइनॉरिटीज एक समय में तो भारत का ही तो हिस्सा थे। ये हमारी ही मां बहनें हैं जिन्हें आज तक वहां पर तड़पाया जा रहा है, और अगर इससे राहत पाने के लिए वो इंडिया में शरण लेना चाहते हैं तो क्या उन्हें इस चीज की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए? जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया। और वैसे भी इंडिया का इतिहास रहा है, हमने हर बार पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज को देश में पनाह दी है, और फिर चाहे वो ईरान से आए पारसीज हो या फिर इवन ज्यूज। इन मेनी प्लेसेस ज्यूइश पीपल सफर्ड, इन मेनी प्लेसेस ज्यूइश पीपल फेस्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन। इन इंडिया द ज्यूइश कम्युनिटी वाज नेवर पर्सिक्यूटेड। अब बीजेपी का अगला पलटवार है कि इन्हीं पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज को भारत में शरण मिलेगा। ये वादा तो सबसे पहले खुद कांग्रेस ने ही तो किया था, लेकिन फिर माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने के चक्कर में उन्होंने ये वादा पूरा ही नहीं किया। लेकिन वही काम आज जब बीजेपी कर रही है तो ये उसका विरोध कर रहे हैं। और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं सबसे मुख्य सवाल की ओर, CAA लागू होने से क्या इंडियन मुस्लिम्स की नागरिकता छीन ली जाएगी? तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरे एक्ट के डॉक्यूमेंट में ऐसा एक भी क्लॉज नहीं है जिसमें किसी की भी सिटीजनशिप कैंसिल होने की बात की गई है, और फिर चाहे वो सिटीजन किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो। अब खुद ही सोचो, जिस एक्ट का नाम ही सिटीजनशिप देने के ऊपर रखा गया है, वो क्यों किसी की सिटीजनशिप को कैंसिल करेगा? इट मींस अगर आप एक इंडियन मुस्लिम सिटीजन हो तो आपको इन पॉलिटिकल लीडर्स के नैरेटिव से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम्स भी इंडिया की सिटीजनशिप पा सकते हैं, बस उसके लिए उन्हें लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होगा। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी, जो आज लीगल प्रोसीजर को ही फॉलो करके तो इंडियन सिटीजन बन गए। अब जैसे हमने पहले जाना, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि CAA कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट सिटीजंस को डिस्क्रिमिनेट कर रही है बेस्ड ऑन रिलीजन। बट यहाँ पर ऑपोजिशन के दावों में एक मेजर लूप होल है। जो इमिग्रेंट इंडिया में आएगा वो इंडियन सिटीजन तो नहीं है ना, वो किसी दूसरे देश से आ रहा है तो वो फॉरेनर हुआ, राइट? जिस पर क्या कानून लागू होना चाहिए इसमें कोई भी संवैधानिक पाबंदी नहीं है। सो ये लूप होल भी अक्सर नहीं बताया जाता है। जो भी कोई CAA के अगेंस्ट है वो सिर्फ आधी सच्चाई बता रहे हैं और अपने तरफ से एक वन साइडेड नैरेटिव फैला रहे हैं। और रही बात ऑपोजिशन के स्टेटमेंट की कि इंडिया को धर्मशाला बना के रख देंगे, तो वो भी गवर्नमेंट के हिसाब से सरासर गलत है। अब श्रीलंकन तमिल्स के ही एग्जांपल को ले लो, वहां के हिंदूज इतने ऑप्रेस्ड और पर्सिक्यूटेड नहीं है, और इसीलिए हमने उन्हें इस एक्ट में इंक्लूड ही नहीं किया है।
ये लॉ सिर्फ और सिर्फ वंस अगेन पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए ही है। पर्सिक्यूटेड का मतलब जिन्हें सिर्फ अपने रिलीजन के बेसिस पर ना इंसाफी झेलने मिली है, जैसे वर्ल्ड वॉर टू से पहले ज्यूस के साथ नाजी जर्मनी में हुआ था। लेकिन हाँ, इस पूरे मुद्दे पर ऑपोजिशन ये बात बिल्कुल सही कह रही है कि CAA लागू होने के बाद हिंदू वोट इंक्रीज होगा। अब देखो, हाइपोथेटिकली गिवन सम टाइम इन देशों से 1.5 करोड़ हिंदू आ जाते हैं तो उनमें से मोस्ट इफ नॉट ऑल बीजेपी को ही वोट देंगे, तो बीजेपी इजीली 11 सीट एक्स्ट्रा जीत सकती है, क्योंकि DTE के हिसाब से एक सीट जीतने के लिए मिनिमम 14 से 15 लाख वोट लगते हैं। एंड फाइनली रही बात अरविंद केजरीवाल जी की कि इंडिया में क्राइम्स बढ़ जाएंगे, तो देखो ये रेफ्यूजीज ऑलरेडी इंडिया आ चुके हैं, 2014 के पहले से भी कई यहाँ पे रह रहे हैं, और अगर डेटा देखा जाए तो 2014 के बाद से तो उल्टा इंडिया में क्राइम रेट्स कम हो रहे हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा अंधाधुंध लोग आएंगे, बीजेपी उन्हें नागरिकता देगी, उससे थेफ्ट रॉबरीज रेप बढ़ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते? सो ये आर्ग्यूमेंट जो आपने अभी सुना मुझे पर्सनली इतने सेंसिबल नहीं लगे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, जब हमने खुद पर्सनली इस मुद्दे के दोनों साइड्स को अच्छे से समझने की कोशिश की थी तो हमें इस लॉ के विद्रोह में दो और भी ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिले जो खुद ऑपोजिशन भी नहीं उठा रही है। इसमें कोई धर्म या जाति का मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये उससे भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये बात है हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी की, थ्रेट टू इंडिया की। सो पहला डिसएडवांटेज जो मुझे पर्सनली लगता है एक थ्रेट में कन्वर्ट हो सकता है वो है नेचुरलाइजेशन पीरियड। सो नेचुरलाइजेशन पीरियड एक ऐसा प्रोसेस है जिससे 11 साल इंडिया में रहकर कोई फॉरेनर भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब बीजेपी ने 2019 के CAA से इस टर्म को 11 साल से सिर्फ 5 साल का कर दिया है, जो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि अगर US जैसे देश को देखें तो उनका नेचुरलाइजेशन पीरियड है 134 years। इतना कोई जिंदा भी रहता है क्या? UAE में भी, जहां इतने इंडियंस हैं, वहां ये पीरियड 30 years है। सो इंडिया का सिर्फ 5 साल में सिटीजनशिप दे देना, क्या ये वाकई में सही है? क्योंकि ये प्रोसेस अगर इजी और शॉर्ट हुई तो रेफ्यूजीज और माइनॉरिटीज एकदम से इंडिया आएंगे ही। पर इसी प्रॉब्लम के बारे में तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंडिया के पास उतने रिसोर्सेस ही नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ। और दूसरा थ्रेट जो इस एक्ट से महसूस होता है वो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। आप ही अगर सोचो, अगर कोई भी ISI एजेंट कल को हिंदू, सिख या पारसी बनकर इंडिया आ जाता है और बताता है कि मैं 2014 से पहले से यहां पर रह रहा हूं तो मुझे सिटीजनशिप चाहिए, तो इंडिया उस माइनॉरिटी के भेस में कोई एंटी नेशनल नहीं है, इसको नक्की वेरीफाई कैसे कर पाएगा? और अगर सही से फर्क नहीं हो पाया तो ये इंडिया के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। ऑलरेडी इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ये ओपनली बता चुकी है कि खालिस्तान प्रोटेस्ट के लीडर अमृतपाल सिंह ISI के प्लांटेड एजेंट थे। रशिया की इंडियन एम्बेसी में भी ISI प्लांटेड एजेंट के बारे में हमें 14 सालों के बाद मालूम पड़ा। और इंडिया के रॉय एजेंट जिसके अजीत डोवाल जी भी तो 7 सालों तक पाकिस्तान में ही मुसलमान बनकर ही तो रह रहे थे, और उन्हें भी कोई पहचान ही नहीं पाया। और इसीलिए इन मुद्दों पर ना सिर्फ ऑपोजिशन को बल्कि हमें भी सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि जितने भी लोगों को नागरिकता मिलेगी वो आपके और मेरे जैसे देश के बड़े बड़े प्रोफाइल्स, जैसे कि MP, MLA, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर तक बन सकते हैं। अब हां, हम सिक्योरिटी और प्रोसीजर फॉर सिटीजनशिप को काफी स्ट्रिंजेंट बना सकते हैं, लेकिन यार आधार कार्ड मिलने का प्रोसीजर भी तो काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन फेक आधार कार्ड्स तो फिर भी बनी रहे, और वो भी लाखों की संख्या में, हजारों की तादाद में इलीगल बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग पकड़े जाते हैं जो 2,000-3,000 रुपए में फेक आधार कार्ड बनाकर रातों रात इंडिया के लीगल सिटीजन बन जाते हैं। और इसीलिए ये मेरे हिसाब से एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो। और अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे तो इस मुद्दे पर एक भी नेता आवाज नहीं उठा रहा। बट एनीवे, मैंने आपको इस एक्ट के प्रो और इसके एंटी के सारे आर्ग्यूमेंट्स बता दिए। अब आप खुद से इस पर एक रैशनल डिसीजन ले सकते हो, एक जजमेंट पास कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको इनके जैसे भेड़ चाल का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, कुछ ऐसा लगता है ना कि हो सकता है, मतलब अगर आप पढ़ेंगे क्या भी देखा उसमें तो इट सीम्स लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी। इफ एवरीथिंग वाज ओके व्हाई वुड सम पीपल बी कंसर्न्ड? लोग नैरेटिव्स फैलाते जाएंगे, लोग नैरेटिव्स में फंसते जाएंगे। जैसे अभी हाल ही में एक नैरेटिव ने काफी आग पकड़ी थी कि PM मोदी एक डिक्टेटर है, और ऑलमोस्ट सभी ऑपोजिशन पार्टीज, कुछ बड़े न्यूज चैनल्स और इन्फ्लुएंसर्स इस कंसर्न को सर्कुलेट कर रहे थे। डिक्टेटरशिप चलछे, मोदी इज अ डिक्टेटर, अ मैन वर्स देन हिटलर। अगर मोदी जी इस 2024 के इलेक्शंस में जीत कर आते हैं तो अगली बार से इलेक्शंस ही होना बंद हो जाएंगे और तानाशाही शुरू हो जाएगी। पर रियलिटी असल में क्या है
क्या सच में इंडिया एक डिक्टेटोरियल रेजिम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? वेल, इस पर भी हमने एक डिटेल्ड और अनबायस्ड वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। एकदम रूट लेवल से ये कंसर्न हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले अगर हेयर फॉल या ग्रेइंग के लिए आप नीलांबरी आदिवासी हर्बल ऑयल खरीदना चाहते हो तो मैंने स्क्रीन पर उनका ऑफिशियल नंबर और वेबसाइट डाल दिया है। उसी कम्युनिटी से वीडियो कॉल करके ही इसे खरीदना, कोई ई कॉमर्स साइट से नहीं, वरना आपको स्कैमर्स फेक सामान सप्लाई कर सकते हैं। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, बी रैशनल, बी क्रिटिकल। जय हिंद।